वेलकम टू गणित गुरुजी गणित गुरुजी से मेरे बच्चों का आपका स्वागत है। आज हम किसी से ना मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 37 से 44 तक करेंगे, ठीक है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एक से लेकर 25 और फिर 26 से लेकर 36 तक का वीडियो बना डाला है। उसमें आप पहले उन वीडियो का पार्ट वन और पार्ट टू देखें, फिर इस पार्ट थर्ड में आए। आज के इस लेक्चर में यह एक्सरसाइज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बटा डी एक्स लगाएंगे। ये तो देखिए रूट में है, रूट में तो मैंने सिखाया है 1/2 रूट एक्स, पता ना रूट एक्स इधर पे 1 प्लस साइन एक्स बट्टा अंडर रूट 1 माइनस। अब ये रूट हट गया तो फिर 1 बटा कोसेक रूट लगेगा ना, कोसेक रूट लगेगा तो 1 माइनस साइन एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स बटा डी एक्स, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कहां गया जी 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ देंगे और क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और बट्टा में क्या कर देंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि हर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया आपका, देखिए इसको पलट ऊपर कर दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बट्टा 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, और 1 प्लस साइन एक्स का 1 का 0 होता है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया और 1 माइनस साइन एक्स का 1 का 0 और कॉस एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हो गया जी कॉस एक्स, बट्टा चिल्ला आएगा और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो तो ये रूट से इस पावर से आधा कट जाएगा, कितना बार कटेगा 3/2 बार में, एक और आधा, ठीक अच्छा ध्यान देंगे 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन कॉस एक्स को अंदर गुणा कर दो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है माइनस ये माइनस है ये माइनस प्लस, अब कॉस एक्स को लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस इंटू साइन एक्स कट गया और 1 माइनस साइन एक्स, एक बार पूरा और एक बार आधा ना, डेढ़ डेढ़ देखो 3/2 है तो एक बार पूरा और एक बार आधा, आधा बोले तो 1 माइनस रूट टू डेढ़ कॉस हो गए, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स बट 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और मैं ये सोच रहा था 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है और ये 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट कॉस एक्स बटा इतना बच गया। अब स्टूडेंट ध्यान देंगे कॉस एक्स बट्टा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एक ही बार में 1 माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ये हो गया कॉस एक्स बट्टा स्क्वायर से रूट कैंसिल कॉस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल अपना आंसर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन बुक का आंसर तो अलग है ना, बुक का आंसर तो इतना है नहीं तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बट्टा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज क्या बन के आ गया 1 प्लस साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, अब दोनों को पार्ट वाइज में डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बन के आ जाएगा यहाँ पे जगह है ना देख लीजिएगा स्टूडेंट, अभी इधर ही चलते हैं फिर जगह प्रगति इधर आएंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और साइन बटा कॉस टैन
और ए वन बटा कॉस एक बचेगा ना, हो जाएगा ये sec x, sec x इंटू sec x कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, sec x कॉमन लेते हैं, sec x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, sec x प्लस tan x, यह आपका आंसर हो गया 37। इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सवाल जो है 2 tan x बटा tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर काम करेंगे 2 tan x और ये 2 देखिए तो 2 उतरेगा ना x का पावर n, क्या फॉर्मूला होता है x का पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 2 x x का पूरा सेक्शन tan x प्लस cos x का 2 माइनस 1 तो यही बच जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये बटा वाला हो जाएगा कोसेंट फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले नीचे वाले को छोड़ देते हैं tan x इनटू tan x प्लस cos x बटा 2 और डिफरेंशिएशन है tan x का तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, मान लीजिए लगाएंगे 2 tan x को छोड़ देंगे और नीचे वाले डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा जी sec स्क्वायर x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin, ठीक है स्टूडेंट। नीचे लगा स्क्वायर tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, दो दो गुना कर दिए 4 tan x बट्टा tan x प्लस cos x का एक ये और दो ये होल क्यूब, इसमें का 2 और इसमें का 2 कॉमन लेके हटा दीजिए, sec स्क्वायर से गुना करते हैं tan x into sec स्क्वायर x प्लस cos x और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर x माइनस गुणा कीजिए tan x into sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस tan x into sin x, एक cos एक cos गया tan x into sec स्क्वायर x tan x into sec स्क्वायर x कट गया तो 4 गुना 8 8 tan x plus cos x का whole cube multiplication, अब देखिए स्टूडेंट क्या बन जाता है, अगर क्या बच जाएगा जी एक cos से cos चलाएंगे ना तो हो जाएगा sec x, ठीक है और sec x minus sorry minus नहीं plus होगा tan x into sin x, दिस इज आवर राइट आंसर, ये छूटा नहीं है। तो स्टूडेंट 39 नंबर सवाल में देखिए रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स रूट एक्स, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्रोडक्ट रूल का प्रोडक्ट रूल पे काम करेगा, रूट एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स रूट एक्स ये चेन रूल पे काम करेगा। सबसे पहले इसको करते हैं रूट एक्स को छोड़ दीजिए साइन एक्स प्लस साइनस को छोड़ दीजिए रूट एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए प्लस इसमें चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स बट्टा डी रूट एक्स इनटू डी रूट एक्स बट्टा डी, समझ गए रूट एक्स साइनस से क्या होता है जी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और रूट एक्स से क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, ये हो गया प्लस साइन एक्स रूट एक्स क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स और रूट एक्स क्या होगा वन बाई टू रूट एक्स, तो यह आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस साइन क्यूब अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए स्टूडेंट जब भी साइन और कॉस के साथ कोई अलग से फंक्शन जुड़ा हुआ है जैसे ये कॉस के एंगल की तरह ट्रीट करेगा या साइन के एंगल की तरह ट्रीट करेगा तो ये जब कॉस का जो साइन का चेंज हुआ ना तो ये पार्ट उसी के साथ रह जाता है, जैसे कॉस का चेंज करेगा तो माइनस साइन और बाकी जितना भी कुछ भी लिखा हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी लिखा हुआ है ना वो सबका सब उतर जाएगा, देखिए कैसे चेंज होगा डिफरेंशिएट करेंगे कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, मैंने बोला ना ये एंगल की तरह ट्रीट कर रहा है तो एंगल की तरह ट्रीट करेगा तो बाकी जैसा है वैसा लिख दो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब कॉस को हाथ से दबिए और देखिए क्या बचा जो बचा उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर ए तो कॉन्स्टेंट में बाहर आ गया एक स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स
और b छोड़िए x का वर्ग, ये हो गया पहले पार्ट का, प्लस x क्यूब का क्या, साइन क्यूब का क्या होता है, थ्री साइन स्क्वायर और बाकी आएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब साइन साइन का क्यूब का काम हो गया, अब साइन का काम होगा पावर हट गया, साइन का काम होगा तो कॉस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब साइन का भी काम हो गया, अब रूट का काम होगा वन बाय, इधर लिख लेता हूं ना, वन बाय अंडर रूट टू, वन बाय टू रूट एक्स होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब रूट कट गया तो अंदर वाला काम होगा ए एक्स, ए तो होगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू ए एक्स होता, और ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। देखिए अगर इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं जी, अब ये कॉमन ले सकते हैं टू एक्स प्लस बी टू एक्स प्लस बी, अगर इसको चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बाकी इसको आप लोग सजा लीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट 41 नंबर सवाल लेते हैं, साइन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस फोर एक्स। देखिए तो ये चेन रूल पे और ये प्रोडक्ट रूल पे काम करेगा, चेन रूल का प्लेस मान लेते हैं, साइन का क्या हो जाएगा जी, कॉस एक्स, कॉस के बाद जो है सो एक्स है, फिर रूट का काम करो वन बाई टू रूट एक्स टू रूट वन माइनस, अब रूट के बाद अंदर वाला काम करो तो वन का क्या होता है जी जीरो और एक्स स्क्वायर का हो गया, एक कोस प्रोडक्ट रूल में काम करेगा, एक्स स्क्वायर का छोड़ दो डिफरेंशिएट करो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बार कोशिश चला ही देता हूँ, कॉस फोर एक्स बट्टा थ्री एक्स और ये क्या हो गया फिर फोर एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर फोर एक्स छोड़ दो हो गया प्लस कॉस फोर एक्स को छोड़ दो और डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर थ्री एक्स, तो इसको सुधार लेते हैं माइनस टू एक्स कॉस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स से क्या होता है माइनस साइन फोर एक्स और फोर एक्स से क्या होगा फोर प्लस कॉस फोर एक्स और तीसरा क्या होगा टू एक्स, ठीक है स्टूडेंट यह आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है, अरेंज करने से आपका आंसर हो जाएगा या टू से टू कट जाएगा और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए डेल समझ आ जाएगा वन बटा फोर अंडर रूट फोर एक्स क्यूब माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एट, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले इसको सुधार लेते हैं, एक बटा में दिया हो ना इस रूट को ऊपर उठा के ले जाओ, और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, कितना पावर होता है जी पावर हाफ, एक बटा फोर और अंडर रूट फोर एक्स क्यूब माइनस वन टू द पावर हाफ, कितना पावर हाफ, यहाँ नीचे है तो प्लस में पावर, ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर जाएगा प्लस, ये तो सही है प्लस एट है ना एट। अब डिफ्रेंशिएट कर दो सिंपल फॉर्मेट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस वन का पावर हाफ डी एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव एक्स प्लस ए का पावर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए वन बाई फोर और ये ना हाफ उतरेगा माइनस वाला हाफ और ये फोर एक्स क्यूब माइनस वन और माइनस हाफ माइनस वन, एक्स की पावर कौन सा फॉर्मूला लगा है एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला लगा है, लिख देता हूँ लिखता हूँ मैं, देखिए जगह एक्स का पावर एन डी बटा डी एक्स एन एक्स ए माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लग गया है। अच्छा ये तो खैर पावर की बात हो गई, पावर के बाद अंदर वाला काम क्या है ना फोर और एक्स क्यूब का क्या होगा जी थ्री एक्स स्क्वायर, क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर और वन का जीरो, जीरो वाला को मैं छोड़ देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का क्या होगा टू कॉस एक्स कॉस फाइव एक्स प्लस एट और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन फाइव एक्स प्लस एट, अब कॉस का भी काम करता हूँ साइन का भी काम करता हूँ तो क्या बच गया फाइव एक्स प्लस एट, फाइव एक्स प्लस एट का फाइव सिर्फ एट का तो जीरो हो जाएगा, खैर अब हम
काम करते हैं, सब जोड़ घटाव बराबर कर लेते हैं। देखो तो माइनस फोर एक्स, अच्छा कर लेते हैं क्या होता है देखिए, फोर एक्स क्यू माइनस वन का पावर थ्री बाई टू बट्टा चार दुना आठ, ठीक है, माइनस से माइनस, और ये चार तीन बारह, एक्स स्क्वायर प्लस पांच दुना प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, पांच दुना दस कॉस फाइव एक्स प्लस एट और साइन फाइव एक्स प्लस एट, ठीक है। यहाँ तो चार से देखो, चार तीन चार दुना माइनस थ्री बाई टू, और ये ना नीचे भेज दो, फोर एक्स क्यू माइनस वन टू दी पावर थ्री बाई टू, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, और थ्री एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और इसमें देखा जाए तो देखो तो एक चीज समझ में आती है, क्या समझ में आती है जी, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का एंगल भी बराबर है, अगर एंगल बराबर है तो हम चाहे तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं तो इस दस को पहले पांच गुना दो करो, ठीक है, माइनस पांच का पांच, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा करेंगे, टू इंटू आई पी एक्स प्लस एट, अगर आंसर में नहीं दिया हो तो नहीं भी कर सकते हैं, और ये टू अंदर गुना हो जाएगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, दो सौ गुना कीजिएगा कितना होगा, पंद्रह दस और आठ दस सौ, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया है अंडर रूट एक्स माइनस वन बट्टा एक्स प्लस वन, तो हमको प्रूव करना है कि एफ बेस एक्स कितना होगा, वन बट्टा एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो एफ बेस एक्स निकाल लेते हैं, एफ बेस एक्स बेसिकली डिफरेंशिएशन ही होता है, उसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स बट्टा वन, एक्स प्लस वन, ठीक है, वन बाई टू रूट एक्स हो गया। अब ये बट्टा वाला काम करते हैं, तो बट्टा वाला काम करेंगे, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन हो जाएगा, लिख ही देता हूं डी एक्स माइनस वन बट्टा डी एक्स माइनस का चिन्ह लगाइए, एक्स माइनस वन को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए एक्स प्लस वन को, और ये डी एक्स, और बट्टा में इस नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि है स्क्वायर से रूट कर जाएगा थ्री बाई फोर में जाएगा, फिर वन बाई टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, और इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है, और वन को गुना कर दीजिएगा, अच्छा देखिए एक्स प्लस वन एक बार प्लस में और हाफ में, क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस वन, एक बार प्लस, एक बार पावर फुल पावर एक बार हाफ पावर, वैसे सेम है तो पावर जुटेगा, एक प्लस आधा जुटेगा देन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं स्टूडेंट होता क्या है एक्चुअल में, यहां से हम क्या करते हैं माइनस को अंदर गुना कीजिए, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाता है, तो वन बट्टा टू अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस वन टू, और ये एक्स प्लस वन, और ये एक्स प्लस वन इसमें रूट में, और ये टू से टू भी कैंसिल हो गया, जब टू से टू कैंसिल हो जाता है तो रिजल्ट कितना आएगा, वन बट्टा एक्स प्लस वन, और ये तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, फुलफिल करना था, लीजिए जी आंसर आ गया आपका एफ डैश एक्स, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ओके लास्ट क्वेश्चन, y बराबर दिया हुआ है cos x plus sin x बट्टा cos x minus sin x, तो dy बटा dx बराबर हमको सिद्ध करना है कि sec square x into pi by 4 plus x होता है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में cos x से भाग देते हैं, देखिए cos x से भाग देने पर, ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, cos x से भाग दिया, cos से भाग दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार लिखी दो क्या,
कॉस एक्स बट्टा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स और कॉस एक्स बट्टा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स कॉस एक्स कट गया, वन वन प्लस टेन एक्स और वन माइनस टेन एक्स। एक्चुअल में देखिएगा तो ये वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स और वन माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टेन एक्स है तो टेन एक्स लिख दिया, और हो सकता है वन गुना में हो सकता है ना, तो टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी फॉर्मूला हो जाएगा, तो पाई बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टेन ए प्लस बी पाई बाई फोर प्लस सिक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सिंपल, वाई डैश हम निकालेंगे और डीवाई बटा डी निकालेंगे, टेन का क्या होता है जी सेक स्क्वायर और एक्स का क्या है पाई बाई फोर प्लस एक्स और एक्स का क्या होगा वन, दैट इज रूट। तो इसी के साथ पूरे प्रॉपर ढंग से 11.1 आपका चैप्टर खत्म हो गया। 11.1 के बाद हम कल से 11.2 में बढ़ेंगे और पूरे जोश जुनून के साथ आप लोग हर एक सवाल को देखिए, वीडियो पोस्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, तेन आगे बढ़िए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम जगह पे शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।